हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम तुम पाई दशम श्रेणी एमती एक इम्पोर्टेंट एसए वन गोटे सैंपल सेट नहीं आसु जहाँ तुमको दशम श्रेणी गणित निश्चित रूपे 95 रु अधिक नंबर रखे साहय कर पाने इम्पोर्टेंट प्रश्न सब ये भिड रही तुम्हें जब एम सिक्यू को भय करू तेल एम सिक्यू केमी समाधान कर चिंतित अच्छे तेल ए भिडटे तुमको निश्चित रूपे साय्य कर और गणित 95 रु अधिक नंबर आने साय्य कर चल पे आरंभ शेष पर्यटन प्रति प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रत्येक प्रश्न को आम देखने प्रश्न नंबर एक देखा के रान के एक्स प्लस के वाई इक्वाल टू दुई फोर एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इक्वाल टू एट समीकरण द्वारा असंख्य समाधान संभव असंख्य समाधान सूत्र आम जानते ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू तो ये आम देखा एक्स पूर्व किसी ना अर्थ एक अच्छे ए वन होगा एक ए टू होगा चार ए टू होगा आमर चार ठीक से भाई बी वन होगा के बी टू होगा बार तो आम यहाँ काटिद चार एक चार तारिख तो के इक्वाल टू होगा तीन ऑप्शन ए होगा ये आम आंसर पे तुम्हें प्रत्येक प्रश्न को समाधान कर शेष में आम तीस प्रश्न समाधान करवा तुम तीस रु के आसला आमको कमेंट बक्स कमेंट कर जनवा तो पाने नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर दुई देखा जदि मैट्रिक्स ए इक्वाल टू एक माइनस दुई चार हुए तेज डिटरमिनेंट ए मूल्य के जानते आपको आम वज्र गुणन करदे क्रस गुणन करवा तो चार इंटु एक माइनस दुई इंटू माइनस दुई तो आर मझे आम कि चिन्ह देवा पे माइनस देवा चार माइनस माइनस दुई प्लस चार 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 गले शून ऑप्शन बी होगा ये आंसर फटाफट समाधान करवा पे फटाफट फटाफट करेंगे कमेंट बक्स में आंसर देवा वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कहला स समीकरण दुईर केतोटी समाधान अच्छे तो आम ये कौन करवा केतोटी समाधान अच्छे आम देखा प्रथम आम केतोटी समाधान कले कौन करवा एक्स एक्स पूर्व ए वन बै ए टू करवा तीन बै छह आसीगला एक बै दुई से भाई बी वन बी टू करवा माइनस पाँच माइनस दस आसीगला के बै दुई सी वन सी टू करवा माइनस दस माइनस कोड़े आसीगला एक बै दुई तो ये आम पे देखिए कौन होगा ना ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू होगा तार अर्थ आम देखिले ये कौन हम ना तीनो जाक सामान होगा कौन हम आम संगत निर्भरशील हम और असंख्य समाधान रेणु ऑप्शन डी होमर आंसर बुझीपारे पे फटाफट करदेबा ना नेक्स्ट प्रश्न जावा फटाफट फटाफट सल्व करवा सेम प्रश्न समीकरण समाधान टे के पचार समीकरण समाधान पचार एक्स प्लस वाई इक्वाल टू जीरो एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वाल टू जीरो तो आम यहाँ जोग करदे प्लस एक्स को माइनस प्लस वाई को माइनस वाई कटिगला टू एक्स माइनस फोर इक्वाल टू जीरो तो ये आम देखा जो टू एक्स इक्वाल टू फोर एक्स इक्वाल टू फोर बै टू इक्वाल टू टू तो आम पकईदे एक्स जगार मूल्य पकईदे एक्स जगार जब मूल्य पकेब टू प्लस वाई इक्वाल टू जीरो वाई इक्वाल टू माइनस दुई तो समाधान टे के पाने एक्स होगा आमर दुई वाई होगा माइनस दुई तेल कौटी होगा आमर आंसर दुई माइनस दुई ऑप्शन ए होगा आमर आंसर फटाफट ना पाने नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर पाँच देखा कहला समीकरण असंख्य समाधान थे टी मूल्य के तो असंख्य समाधान थे कौन करवा पे आम ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू तो आम ए वन कहले के तीन ए वन रगे पकई दि मूल्य ए वन कहले आमर के ए वन बै ए टू करवा ए वन हूँ तीन ए टू हूँ टी बी वन हूँ टी बी टू हूँ दुई तो वज्रगुणन करदे टी स्क्वायर इक्वाल टू छ तो टी इक्वाल टू रूट अफर छे प्लस और माइनस छाला ऑप्शन बी होगा ये आम आंसर असंख्य समाधान सूत्र आम जानते ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू ये सूत्र पकई आम समाधान कर ठीक ना पे वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर छ देखा प्रश्न नंबर छह कहला जे समीकरण दुईटर असंगत हेले समीकरण दुईट असंगत हेले पी इज टू क्यू के तो समीकरण दुई असंगत हेले आम जानते असंगत हेले कौन हम असंगत हेले तार सूत्र आमको जना तो असंगतर सूत्र आम जानते जे ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू नॉट इक्वाल टू सी वन बै सी टू तो ये देखा ए वन कहले के पी ए टू कहले अच्छे तीन बी वन कहले अच्छे क्यू बी टू कहले अच्छे चार तो आम यहाँ वज्र गुणन करदे पी बै क्यू इक्वाल टू तीन बै चार पी इज टू क्यू कहले के पाने तीन इज टू चार कोटे आमर ऑप्शन हो पाने फटाफट आंसर करदे ऑप्शन बी ना वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन बी होगा ये आमर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जी पाने फटाफट सल्व कर पार्टी किसी असुविधा रही है आमको कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जनवा आम पुणी थे समाधान करदे प्रश्न नंबर सात दे समीकरण द्वयर असंगत हेले पुणी असंगत दे पाने असंगतर सूत्र आम
जानते ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू नट इक्वाल टू सी वन बै सी टू। तो ए वन कहले ये के ए अच्छी, ए टू कहले के दुई अच्छे, बी वन कहले अच्छे ये बी अच्छे, बी टू कहले एक अच्छे। ठीक से भाई आम कौन करवा ना भजन गुणन करदे ए बै बी इक्वाल टू टू बै वन बा ए इज टू बी इक्वाल टू के पाने टू इज टू वन होगा ना। वेरी गुड, बुझीपारे बुझीपारे पाने ऑप्शन ही जीवो कोटे ना ऑप्शन बी ही जीवो इठे हमरो आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न जीवा पिला माने प्रश्न नंबर आठ देखिबा। प्रश्न नंबर आठ कहला जे समीकरण मूल द्वार समष्टि, मूल द्वार समष्टि कहला हमें कौन जानते पिला माने अल्फा प्लस बीटा दे दी चार, मूल द्वार गुणफल दे दी, गुणफल कहले कौन ना अल्फा इंटू बीटा दे दी पाँच बै दुई। तेल से कौन कही पिला माने आम से कही समीकरण के समीकरण सूत्र आम जानते समीकरण सूत्र कौन जानते एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा के पे मैंने चार चार एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आँच बै दुई इक्वल टू जीरो। तो ये आम देखे एक्स स्क्वेयर तेल किसी ना मैंने एक अच्छे चार एक्स तेल किसी ना कहे एक अच्छे लसक आसा दुई आसा। प्रश्न नंबर नौ कहला जे समीकरण दीघात मूल द्वयर जोगफल के दीघात समीकरण मूल द्वय के पचार। तो आम देखा ए वन हो तीन बी हूँ माइनस दुई सी हूँ माइनस एक। तो मूल द्वयर जोगफल अल्फा प्लस बीटा कौन सूत्र पिला माने अल्फा मूल द्वयर जोगफल सूत्र आम जानते फटाफट कह कौन हो माइनस बी बै ए माइनस बी कहले माइनस दुई बै ए कहले तीन तेल दुई बै तीन होगा ना पिला माने आंसर कौटे होगा ऑप्शन ए होगा ना आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। बुझीपारे पिला माने प्रश्न नंबर दस देखा गोटे दीघात समीकरण गठन कर जार मूल द्वयर समष्टि, मूल द्वयर समष्टि देते अल्फा प्लस बीटा देदी तीन मूल द्वयर गुणफल देदी माइनस एक। आम ए सूत्र करते पे सूत्रटी कौन ना एक्स स्क्वेयर प्लस मूल द्वयर जोगफल इंटु एक्स प्लस मूल द्वयर गुणफल इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वेयर सर हो मूल द्वयर जोगफल कहले के आमको पाने तीन एक्स मूल द्वयर गुणफल कहले के माइनस एक इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स प्लस इंटु माइनस माइनस एक इक्वल टू जीरो। कौटे होगा पे आंसर आमर कौटी होप्शन देखुं आम डी अप्सन टी ठीक अच्छे ना। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट जी पे कमेंट बक्स में कमेंट करवा तुम के आंसर आसला। प्रश्न नंबर एगार देखा के मान के टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस तीन समीकरण मूल द्वय बास्तव सामान है। तो ये समीकरण ए हूँ दुई बी हूँ के सी हूँ तीन मूल द्वयर कौन देना बास्तव सामान है आम जानते डी इक्वाल टू कौन हो जीरो ही जीरो। डी सूत्र आम जानते बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वाल टू जीरो। तो बी कहले के स्क्वायर माइनस फोर ए कहले दुई सी कहले तीन इक्वाल टू जीरो। के स्क्वायर आपको गुण दि चार दुगुणे आठ तीन के चबीश माइनस चबीश इक्वाल टू जीरो। तो के इक्वाल टू रुट ओवर चबीश। तो चबीश रुट ओवर जब बाहर करें चबीश को भांगीदे पाने चार इंटु छ चार सौ चबीश तेल चार रुट छाला ना चार रुट आम बाहर करें चार रुट बाहर कर दुई हो प्लस और माइनस दुई रुट टू छः आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ये आम आंसर होगा ऑप्शन सी। बुझीपारे पाने वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न जीवा प्रश्न नंबर बार समीकरण में मूल द्वय पी और क्यू हेले वन प्लस पी वन बै पी वन बै पी प्लस वन बै क्यूर मूल्य के। तो आम जब लसक बाहर करें मूल दुईट गुणीदे अल्फा इंटु बीटा पी प्लस क्यू प्लस। तो ये होगा पी पी प्लस क्यू होगा। तो आम जानते मूल द्वयर जोगफल सूत्र जानते माइनस बी बै ए मूल द्वयर गुणफल सूत्र हूँ कौन ना सी बै ए। तो ए को ए काटिदे आम आउ रहा कौन ना माइनस बी बै सी। तो माइनस को माइनस रहा बी कहले ये केन सी कहले के दुई तेल माइनस तीन बै दुई होगा आम आंसर। अप्सन कौटी है पे अप्सन बी होगा ना ये आम आंसर। बुझीपारे पाने वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर तेर देखा। प्रश्न नंबर तेर कहला समीकरण गोटे बीज अनेटर वर्ग मनकर गोटे बीज को आम आलफा नहीं जावा अनेट को आलफार स्क्वायर नहीं जावा तेल क्यूरो मूल्य केहे आम जानते बीज द्वारा जब आम गुणफण करवा आलफा इंटू आलफा स्क्वायर इक्वल टू सी बै ए सी कहले के माइनस चौसठ बै ए कहले एक बा माइनस चौसठ होगा आलफार क्यू इक्वल टू होगा माइनस चौसठ। तो ये आम देखा जो आलफा इक्वाल टू रुट क्यूब रुट अफ माइनस चौसठ माइनस चौसठ क्यूब रुट के ना माइनस चार हो क्या चौसठ कहे माइनस चार इंटू माइनस चार इंटू माइनस चार एथर मूल द्वार जोगफल आम आने बाहर मूल द्वार जोगफल सूत्र कौन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बै ए माइनस बी कहले माइनस क्यू ए कहले एक तेल क्यू होगा।
तुम अल्फा मूल्य पकईदे अल्फा आसा माइनस चार प्लस माइनस चार होल स्क्वेयर इक्वल टू क्यू तो माइनस चार प्लस चार स्क्वेयर के षोह इक्वल टू क्यू षोह चार बेग करदे क्यू इक्वल टू रही बार आंसर ऑप्शन सी हो गला आंसर बुझिपार पाने प्रश्न नंबर चौदह देखिए प्रश्न नंबर चौदह था समीकरण गोटे बीज अनेटर वर्ग ठीक से भाई गोटे वर्ग जब बीज आम आल्फा ना अनेट कौन हो आल्फार स्क्वेयर हो तो आल्फा इंटू आल्फा स्क्वेयर इक्वल टू कौन होमर ना सी बै ए सी कहे ये अच्छे माइनस सतैश ए कहे एक तेल ये केगला ना आल्फार क्यू इक्वल टू माइनस सतैश आल्फा इक्वल टू क्यूब रुट अफ माइनस सतैश क्यूब रुट के पाने माइनस तीन हो ठीक से मूल द्वयर जोगफल आने आल्फा प्लस आल्फा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी बै ए तो माइनस बी कहले के माइनस के बै ए इक्वल टू के होगा तो आल्फा जगह आम तीन पकईदे माइनस तीन प्लस माइनस तीन होल स्क्वेयर इक्वल टू के होगा तो माइनस तीन प्लस नह इक्वल टू के माइनस तीन नह रु माइनस तीन पड़े रही आमर के छाला के होगा ये ऑप्शन डी होगा ये आंसर बुझिपारे पाने आंसर नेक्स्ट प्रश्न को जी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करदे वेरी गुड वेरी गुड प्रश्न नंबर पंदर देखिए पिलाने वीडियोटी को ये भल पाइबार से देखुं हृदय गोटे लाइक टे करदे सांग सहित सेयार टे भी करदे जदि प्रथम थर चेल अच्छा चैनल टी दयाक सब्सक्राइब करदे नेक्स्ट प्रश्न देखिए पंदर नंबर प्रश्न कहला जे टीएन इक्वाल टू दे आठ एन माइनस तीन तेल साधारण अंतर के आम ये टी वन आने एन जगह वन पकईवा आठ इंटु एक माइनस तीन आठ माइनस तीन पाँच ठीक से भाई टी टू आने एन जगह टू ने माइनस तीन आठ दुगुण षोह माइनस तीन षोह तीन पलैला रहा है पाने रहा तेर तो आम डी आने डी केमी आने तेर रु पाँच वियोग करदे तेर माइनस पाँच होगा आठ आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ना आंसर पे तुम वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर षोह देखा प्रश्न नंबर षोह दे गोटे एपी टी फोर टी नाइन ठार पंदर अधिक अर्थात कौच टी फोर ठार टी नाइनटा नधिक अर्थात टी नाइन रु टी फोर वियोग कले आमको पंदर मिल आम टी नह कहले कौन जानते ना टी नह कहले होमर ए प्लस आठ डी माइनस टी फोर कहले ए प्लस थ्री डी इक्वल टू होगा आमर पंदर तो ब्राकेट खोली देबा आम ए प्लस आठ डी माइनस ए माइनस थ्री डी इक्वल टू पंदर तो प्लस एक माइनस ए कटिगला आठ ए माइनस आठ डी माइनस तीन डी आठ डी रु तीन डी कले के रहा पाने पाँच डी इक्वल टू पंदर तो काटिदे पाँच एक पाँच पाँच तीरिक डी होगा के तीन आंसर हो गला ना ऑप्शन बी हो गला ना पिलाने आंसर वेरी गुड तुम मानकर भी आसी जाए आंसर कमेंट बॉक्स रे गुड 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 प्रश्न नंबर सतर देखा देखा पाँच और नौ मध्य मध्य मध्यवर्ती समान मध्य गोटे हूँ एक्स तो ये से कहे पाँच एक्स आउ नौ एपी रमें जब एपी रहा देखा आरंभ शेष पद द्वयर जोगफल पाँच प्लस नौ बै दुई इक्वल टू मझी पदटी हे तेल ये केगला ना चौदह इक्वल टू टू एक्स एक्स इक्वल टू चौदह हरण दुई के आसगला सात तेल एक्स होत ऑप्शन डी होम आंसर जी पाने नेक्स्ट प्रश्न को गुड टी दस दे छब्बीस तो टी दस कहले के पाने ना ए प्लस नौ डी इक्वल टू छब्बीस ठीक से भाई टी पंदर कहले के प्लस चौदह डी इक्वल टू छतीस तो आम कौन कर पाने वियोग करदे तो प्लस एक माइनस एक कटिगला नौ डी रु चौदह डी गले रहा आमर माइनस पाँच डी मध्य कटे हूँ नह सी कह सात आउ एक्स भितर नह रहा एक्स रूल्य के आम देखा सात रु नह के बढ़ी इटे ना दुई बढ़ी सीमती नह रुपरवर्त संख्या के दुई बढ़े केगार हो आंसर वेरी गुड ऑप्शन ए होमर आंसर प्रश्न नंबर कोड़े देखा देला टी एगार इक्वल टू एक टी एगार इक्वल टू एक टी चौदह इक्वल टू चालीस यार साधारण अंतर के तो टी एगार कहे पाने कौन जानते ए प्लस दस डी इक्वल टू देती एक से भले देती टी चौदह कहले के प्लस तेर डी ए प्लस तेर डी इक्वल टू देती चालीस तो आपको आम वियोग करदे पाने वियोग करदेपर के प्लस एक माइनस एक काटिगला तो दस डी माइनस तेर डी माइनस तीन डी इक्वल टू माइनस नह तेल माइनस तीन को नह काटि डी इक्वल टू होगा तीन ऑप्शन सी होगा ये आम उत्तर बुझिपारे पाने कमेंट बक्स में फटाफट आम आंसर करदे प्रश्न नंबर एक देखा प्रश्न नंबर एक कहला गोटे एपी री एन देते टू एन प्लस वन एस दस के तो ये आम टी वन आने टी वन आते टू एक प्लस एक इक्वल टू तीन से फिर टी टू आने टी टू आने टू इंटू टू प्लस वन इक्वल टू होगा फाइव तो ए होगा ये तीन डी होगा ये पाँच माइनस तीन इक्वल टू दुई
तो पिला माने में एस दस आनबा एस दस आनले एसएन रो सूत्र हमको जणा छे एसएन रो सूत्र होची कोन ना n/2 2a + n - 1 t तो हमें t एस दस पकेबा एस दस कहले केते हि जिवो ना 10/2 2a a कहले 3 n - 1 10 - 1 d कहले 2 10/2 हे गला 5 2 into 3 6 plus 10 रे कले 9 9 18 तो पिले माने एठे 5 into 6 रे 18 मिसले 24 24 पंचा केते हे जिवो पिले माने एठे हमरा 120 ऑप्शन हे जिवो बी हे जिवो एठे हमरा आंसर ऑप्शन बी हे जिवो एठे हमरा आंसर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा प्रश्न नंबर 22 कहला गोटे लुडु गोटे को थोर गडाइले सेतरु 4 रु बड संख्या पडिबार संभावता केते जदि आमे गोटे लुडु गोटे को गडाउ छथि ताले 1 रु 1 2 3 4 5 6 आसीबो ता 4 ठु बड कले 2 ठु उपादान मोटो उपादान 6 टि 4 रु बड जेहेतु 4 रु बड कहले 5 आ 6 जिवो मोटो उपादान होछि 6 टि तो 2/6 कहले केते हे जिवो पिला माने 1/3 हे जिवो ऑप्शन ए हे जिवो एठे हमरा आंसर हे जिवो ऑप्शन ए हे जिवो एठे आंसर नेक्स्ट प्रश्न को जिवा पिला माने प्रश्न नंबर 23 देखिबा प्रश्न नंबर 23 देला गोटे लुडो गोटे को थरे गडाइले गोटे जुग्म संख्या आसीबार संभाव्यता केते जदि गोटे लुडो गोटे को हम थरे गडाइले ताहेले हमको फल गुडी को मिलबो 1 2 3 4 5 6 गोटे जुग्म संख्या आसीबार संभाव्यता कहले जुग्म संख्या कोटा हे जो 2 4 6 3 टे रहला जुग्म संख्या मोटो संख्या रहला 6 टे तो 1/2 हे जिवो ठीक हमर आंसर ऑप्शन बी हे जिवो आंसर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा प्रश्न नंबर 24 गोटे मुद्रा को थरे टस कले अति कम रे गोटे दुईटे मुद्रा को थरे टस कले जदि दुईटे मुद्रा को हम थरे टस करिबा तले सैंपल स्पेस गुडी को हमर हे जइबो एच 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 टी 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 हे जइबो अति कम रे दुईटे हेच रहइबो अति कम रे दुईटे हेच कले गोटे ही उपादान आसीबो गोटे उपादान आसले केते हे जइबो पिला माने 1/4 1/4 हे जइबो एठे हमर आंसर हे जइबो केते ना 1/4 हे जइबो आंसर ऑप्शन डी हे जइबो एठे हमर आंसर प्रश्न नंबर 25 देखिबा 2 4 6 12 रखा थिबा गोटे कार्ड को गोटे बैग रखा गला सेथुरु गोटे संख्या जदुरछा कडा गले गोटे मौलिक संख्या बार संभाव्यता केते तो मौलिक संख्या कहले हम देखिया पिला माने एडी मौलिक संख्या कोटे हे ना केवल 2 ही मौलिक संख्या गोटे मात्र मौलिक संख्या छै तनु गोटे उपादान मोट उपादान हो जके तोडी हमर एठी ना 5 टी दुईटा हो जे मौलिक संख्या मोट उपादान 5 टी तनु 1/5 ऑप्शन 5 ए हे जइबो एठी हमर आंसर प्रश्न नंबर 26 जे पिला माने प्रश्न नंबर 26 कहला गोटे त्रिभुज रे गोटे त्रिभुज अच्छे एंगल ए टी अच्छे तार समकोण तो एंगल ए रो ए रु बी सी प्रति गोटे लंब अच्छे बी डी तो ये हमको बी डी दे दी 2 बी सी दे दी हमको बी सी दे दी पूरे दे दी 8 ए बी केते बोली पचार तो आम जानते ये सूत्र जानते ए बी सूत्र कौन हो बी डी स्क्वायर बी डी इंटू बी सी रूट ओवर ए बी इक्वल टू तो बी डी होगा आमर के 2 बी सी कहले 8 रूट ओवर तो ये देखा 16 रूट ओवर हो गला 4 ऑप्शन बी हो गला ये आंसर बुझिपारे पिला माने एबिर जदि आमको पचारूचे ताहले एबिर सूत्र जदि पचारिला ताहले एबिर सूत्र टी एटी करिबा जदि सेमती एसी पचारिला एसी कहले कोन हबो ना एसी कहले आमे करिबा ना सीडी इनटू पूरा टी होची बीसी सीडी इनटू बीसी रूट ओवर प्रश्न नंबर 27 देला जे l1 l2 l3 दिनटे समांतर सरल रेखा t1 2 दुटे छेदक एटा जे mn is to mn एस टू एन पी देखिए 2:3 एम एन एस टू एन पी एम एन एस टू एन पी देखिए आमको 2:3 तेल आम देखा ये आमको कौन दे एम एन एस टू एन पी ठीक से एपटा कौन हम ना क्यूआर एस टू आर एस इक्वल टू कैसे ना एम एन एस टू एन आर टा के आमको ना 3/2 दे कौन मागे आमको क्यूआर एस टू ओ एस ओ एस कहे पूरा टी मागे तेणु आमको पूरा टी दरकार तेणु कौन करवा ना आर जेहे आमको क्यूआर दरकार क्यूआर रही आर लब कौन आम हर में जोग करदे तो ये कौन रहा ना क्यूआर बै आर एस प्लस क्यूआर इक्वल टू 3/2 + 3 तो ये आम देखा क्यूआर को क्यूआर रहा आर एस प्लस क्यूआर पूरा टी होगा कौन ना क्यूएस क्यूएस इक्वल टू ये 3/5 3/5 कले 3:5 होगा ऑप्शन सी होगा ये आम आंसर 27 नंबर होगा आंसर ऑप्शन सी होगा ये आंसर बुझिपारे पे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर 28 देला गोटे त्रिभुज रे एंगल एबिस समाधि खंडक एबिस एबी बी हूँ समाधि खंडक तो एबी दे दी आमको 12 बी सी दे दी 9 एपी दे दी 8 ताले एसी टी केते पछरे छि तो हमें उपवाद्य 3 अनुसार एठी पकाई देबा जे कोन हे जीवो ना एबी बाय बी सी इक्वल टू एपी बाय बी सी तो एबी हे जीवो हमर केते 12 बी सी हे जीवो 9 एपी हे जीवो 8 पी सी हमको जणा नै
तो आपको हमें कटाकटी करने कटाकटी कर पे मैंने तीन काट दिए तीन छुक तीन तीन चार एक चार दुगुण तो पिसी होगा के पिसी होगा दुई इंटू तीन छः तो पिसी होगा छः पूरा टी के ना छः प्लस आठ कर दि चौदह ऑप्शन सी होगा ये आम आंसर होगा ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी पे दे त्रिभुज ए बी सी सदृश डीईएफ तो ये आमको दुईटी त्रिभुज अच्छे गोटे त्रिभुज हूँ ए बी सी आ गोटे त्रिभुज हूँ डीईएफ तो ये आमको कहे जे ए बी देछि पाँच बी सी देछि सात ए सी देछि आठ डीई देछि पंदर डीटी देछि पंदर आमको कौन मागिचे ना डीएफ मागिचे आमको डीएफ टी के मागिचे तले आम जानवा अनुरूप भाग गुड़िक समानुपाति हे तेणु ये आम कौन करवा ना ए बी तो अनुरूप होमर डीई से भाई ए सी रूप होफ तो आमको डीएफ मागिचे तो ए बी रूल्य पकईदे ए बी होमर पाँच डीई रूल्य देदेज आमको पंदर ए सी रूल्य देदेजी आठ डीएफ आमको पचार तो मारिदे पाँच एक पाँच पाँच तारीख पंदर डीएफ इक्वाल टू आम कौन कर बजरण करदे तीन अश्न चबीस तो ऑप्शन बी होगा ये आंसर। पे नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर तीस ये आम प्रश्न शेष प्रश्न जहाँ चित्र में एंगल बी ए डी टी जहाँ डी ए सी टी ता दुईटी कौन सामान अच्छे तेल ए बी इस टू ए सी आमको ए बी इस टू ए सी देखिए टू इस टू तीन तेज़े सी डी टू के उपाद्य तीन आम जानते पे गोटे त्रिभुज गोटे कोण समद्विखंडक तार सम्मुखीन बाहू को जो दुई अंश विभक्त कला से अनुपात दशलग्न बाहू द्वर अनुपात संगे सामान है ये कौन हम ना ए बी बै ए सी जहाँ हे बी डी बै सी डी तेल ए बै ए सी आमको देते ना दुई बै तीन इक्वल टू होगा बी डी बै सी डी तो आमको प्रश्न मागे सी डी टू बी डी तो आपको उभय को आम कौन करवा ना ओलोटाई ना ओलोटाई नहीं कौन होगा ना सी डी बै बी डी इक्वल टू तीन बै दुई आमर आसा तीन इंस टू दुई होगा ये आंसर तीन इंस टू दुई कौट दे पाने ऑप्शन ए ना ऑप्शन ए होमर आंसर। पे तुम्हारा तीस रु कतोटी नंबर ठीक है आमको कमेंट बक्स में जनवा यह अनेक शिक्षण भिड आम चैनल डिस्क्रिप्शन में दि जाए से सबको जाए तुम्हें देखिपर यह इंपोर्टेंट प्रश्न सब तुम्हें आम नहीं आसो जहाँ तुमको निश्चित रूप पंचानबे शतकड़ अधिक नंबर रखे साय कर भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखते हृदय गोटे लाइक टे करदे जदि चैनल प्रथम थर अच्छा दयाक चैनल को सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन को अन् कर अल् नोटिफिकेशन को अन् करदे भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखते धन्यवाद अवशिष्ट प्रश्न परवर्त भिडे देखिपरिया।